मार कुटाई होगा वो अलग। बेचारे क्या सोच के गए थे, यहाँ से जाऊंगा और मार देगी पुलिस, मार खाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। फेल इंसान के साथ में आ गई, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते, कुछ जाऊंगे ट्रेन से, ऐसे करके भी सोची। जय जोहार संगवारी हो, आज हम ना अपन लव स्टोरी के लास्ट पार्ट शूटिंग करत हन, पार्ट 5। एकर पहली के पार्ट में आप मन देखे हो कि हमन हाँ पहली बार जो है गुवाहाटी में मिले हन योग कंपटीशन में, और का बाद थोड़ा बहुत घूमे फिरे हन, ब्रेकअप पैचअप हुई सी है ना। और अब आगे सीजी के पारस हमन मन के गुवाहाटी घूम के आए के बाद कहोगे कि लॉकडाउन लग गए, और लॉकडाउन जैसे ही लगी से तो फिर कुछ दिन बाद मैं यहाँ घर आ गया हूँ, और तो भी घर चले गए। हाँ, ये भी घर चल दी सपन, और मतलब मोर भी जॉब जो है, मतलब मैं छूट के, मतलब स्कूल बंद हो गए तो वो छूट ही गए, तो घर में फिर आऊँ तो फिर एक साल जो है ऐसने बीत गए। रानी रेशमा के शादी हो गए, और ओकर बाद फिर धीरे धीरे रानी रेशमा के शादी हो गए, ओकर बाद में फ्री हो गए, फ्री होने के बाद और काफी दिन हो गए, तब धीरे धीरे जो है फील आए लग कि हाँ भाई अब शादी करना जरूरी है, चाचा चाची के साथ में खाना पीना खाते रहे हूं। समय एक समय आते जब अंदर से ऐसे होते कि हाँ अब शादी करना ही है, कबर के ओकर पहले ऐसे लगत रही से मोला, मतलब मैं का चीज पर शादी करूं, मतलब सच में मैं खाना खाए पर शादी करूँ कि मतलब का चीज पर शादी करूँ। कुछ बात ऐसे रहते हैं, हमारे गुरु जी भी अक्सर बोले कि समय के साथ समझ आते हैं। छोटे से बच्चा ला शादी के बाद समझावे एक साल के तो समझ नहीं आए, क्लास 1 के बच्चा ला क्लास 10 के बाद ला समझावे तो समझ नहीं आए, तो वैसी मोर कंडीशन रही से। जब हम उनके जो मेल मिलाप हो रही से तब उतना जो है मोर मैच्योरिटी नहीं आ रही से, मोर उतना एज नहीं हो रही से, वैसा मोर वैसे मोर कंडीशन नहीं रही से, एकर से थी वो समय शादी के बारे में मैं सोचो भी नहीं, जबकि पहली में यहाँ ज्यादा कमाते रहे हूँ, और जो है ओका बाद फिर बीच में मोर हाथ वाथ भी टूट गई से, तो फिर और ज्यादा रियलाइज होने लग गए हाँ यार शायद एक रिस्थिति भी आदमी मन जो है ना साथी ढूंढते मुश्किल के वक्त में काम आते हैं, ऐसे वैसे बोल के ऐसे हो गए, और भी कई सारा बात हो गई, और ऐसे हो गए कि एक घर में लड़का देखे लग गए, परंपरा एक यहाँ चलत रही से, और मोरो यहाँ वो परंपरा शुरू हो गई, मोर जो नाम है बाकायदा जो सामाजिक के लिस्ट रहते हाँ भाई लड़की तुम्हारे लड़का लड़की का लिस्ट, आचार्य पारसमणि हाँ क्या काम करता है, योग टीचर है, यूट्यूबर है, ऐसे लिस्ट बन के बकायदा आदमी मतलब पता चल के समाज के आदमी हाँ हाँ मैं तो देखे हुए है, मैं लिस्ट में ऐसे कहा शादी होने वाला है ऐसे कहा, ठीक है शादी हाँ के मोर कर तो शादी के बाद भी कॉल आ गई सर, भैया मैं धीवर समाज से बोला था और जो है आप मन शादी के लिए लड़की देखते रहो, तो मैं कहूँ नहीं नहीं अभी तो मोर शादी हो गया, तो बोले अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, एक जन तो बोल पसंद खेलो कर डर रहा है हाँ सच में वेजिटेरियन, वो वेजिटेरियन थी ना तो पसंद भी कर डरी से, बस वो मोर चोटिल देखे ना थोड़ा सा हो गई से की मेरे साथ घूमेगा तो कैसे लगेगा, हाँ मतलब की पता नहीं संस्कृत वंस्कृत वाला है गुरुकुल वाला है, पता नहीं कैसे मतलब ओल्ड मेंटालिटी का होगा पता नहीं क्या। शुरू में जब हम मिले रहे तो 20 साल के हिसाब थोड़ा बड़े हो गए, तब 25 के हो गए है ना, मैं भी तो आप बोलने लगे ना मैच्योरिटी आ गया मेरे हाँ, पहली है ना लड़का टाइप का है पहली है ना अरे लड़का ही होता है यार 20 वाला, हाँ यार 20 वाला है, पहली सीरियल देखे और सीरियल के फिल्म में डायलॉग ले चुपका है, तुम क्या जाओ प्यार रमेश बाबू ऐसे कहा नहीं यार तुम्हें नहीं पता प्यार क्या, हाँ फेवरेट सीरियल का रही से बताओ यार, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी रोज सीरियल देखे मतलब फिल्मी रीज पूरा, उसका बाद ये पढ़ाई लिखे लग गए तो थोड़ा सा मैच्योर होने लग गए, काफी बहुत ज्यादा मैच्योर होने लगे, तब मुझे लगी इसकी हाँ ये बहुत समझदार हो गए, बड़े हो गए अब ये घर संभाल सकते हैं, इनके लगे इसकी हाँ मजबूत कंधे हो गए हैं इसके, ऐसा मुझे लगा, तो फिर मतलब हम सोचे कि अब चलो अब शादी किया जाए, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे घर वाले पकड़ के शादी करवा देंगे। शादी के फाइनल डिसीजन के बाद फिर मैं एक दिन निकले हूँ, समय ऐसे चुने हो जिस समय कोई जो है व्यवधान ना बने, तो मैं रात के 10:30 बजे जब सब नींद पड़ गई से उठा के मतलब बताऊं एक झन की ऐसे ऐसे बात है, और मैं यहाँ असम जाता हूँ बहु लाए से क्या बोल रहा है दिमाग खराब है क्या, बोल के अंदर चली गई उसके बाद फिर से थोड़ा सा नहीं पता वापस आ गई बहु ऐसे बोल गई, अरे नींद में बोल दी, एक झन तो डायरेक्टली सुनने लगे आप जो बता रहे हो वो दूसरे के साथ हुआ मतलब दूसरे सदस्य के साथ, ठीक है तो पहले मना कर दिए जिनको बताए वो मत जाए, मज्जा ही बोलेंगे यार घर वाले थोड़ी बोलेंगे, घर वालों ने ये कहा कि जावे उतना दूर जा था तो मतलब पकड़ ले हाथ पर लग कांट फूट दिए उतना दूर के हम पहले हाथ टूटा हुआ है, पहले हाथ में हाथ पहले टूटे रहा यार मतलब जुड़े नहीं रही उतना अच्छा मजबूती से, मतलब ये हाथ खाली दिखाए नाम दिखाए बस के रही सो कुछ काम के रही से मात्र मोबाइल बस पकड़ सकत रहो उसमें बस पावर रही से मैं, ठीक है एक हाथ में गिर हूँ मान के चलो मैं, उसका बाद में यहाँ घर वाला मन मतलब आधा घंटा समझे से नहीं 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 ऐसे क्योंकि तो
जा थोड़ी बोलेंगे यार, घर वाले जा थोड़ी बोलेंगे, कोई भी माँ बाप नहीं बोलेगा इस बात की। फिर वो कबाड़ में जीत करके चल दे और चल दे, और आदमी उनकी है नींद भी पड़ा थे और सब ये तीर फोन लगा लग गए, भैया समझाओ ला समझा के अम्मी यहाँ चुपचाप के हूँ रातों रात अपन मामा जी के घर पे रात 11 बजे और 12 बजे वहाँ पे पहुँच गए, जाके वहाँ पे सूत गए और सूत के मामा जी के हूँ, मामा जी बोला असम जाना है और मामा जी मतलब सुबह सुबह ट्रेन में छोड़ दो। अब हर बार मैं मामा जी के यहाँ जाऊँ जब भी असम जाना रहा है बोला बस बोल दो कि हाँ वहाँ पे काम शुरू हो गए जाता हूँ, इनको कुछ बताएंगे रात भर सो और सुबह मैं निकलो लगभग 6 बजे उसके बाद में यहाँ दूसरा दिन रात को लगभग 7-8 बजे मैं पहुंच गया गुवाहाटी। और प्लान ये रही से कि देवी जिला अपन घर से गुवाहाटी तक आना जैसे जेकर डिस्टेंस अच्छा 9 घंटा के डिस्टेंस से भी घर से गुवाहाटी तक की, तो ये सुबह 10 बजे लगभग से निकले रही से है ना, और अकेला पहुंचना जैसे 8 बजे गुवाहाटी, और मैं अकेला पहुंचने थोड़ा सा 1 घंटा लेट हो गया। हाँ तो मैं यार डर रहा गया, मैं कहा बार किडनैपिंग के केस बदल सकते हैं, अगर लड़की है बीच में पलटी मारती परिवार मानव वाला मानोला कैसनो भी करके समझा बुझा दी कि जो है नहीं बच्चा हमारे घर आ जाए कुल खाने में नाश हो जी ऐसे हो जी, या फिर पता चला दाई ददा ऐसे ऐसे कहा लगता है मैं मर जाऊं ऐसे कर दी, तो लड़की अगर पलटी मार दी तो सच में लड़का लड़का के ऊपर किडनैपिंग के केस हो सकते है, और वह कितना मेहनत जो भी है उनका करियर तो खराब हो जी, सरकारी नौकरी तो भूल के मिल भी ना कर, इतना तो इतना पक्का बोला ना है ना, तो ये सब चीज बोला जब ट्रेन में जावत रहो तो हर कोई आदमी है जो है फोन करे मैसेज करे किडनैपिंग के लिए 2 साल सजा होता है मूवी में देखी थी। हाँ जो भी है मतलब पुलिस वाले चक्कर में तो फंस जाओगे और मार कुटाई होगा वो अलग, तो पहले हाथ टूटा हुआ भाई देखो पतलू दुबला आदमी आदमी धर के कुचर दी तो हड्डी नहीं बची देखने हैं। तो ट्रेन में जाते ये सब बातें हुआ थी से जितना भी मोर रिलेटिव से बहुत ज्यादा समझाए कोशिश करी थी, और समझाए कोशिश करना भी चाहिए लेकिन जिद्दी रहो माने नहीं हो बहुत ज्यादा डर वही आदमी मन, पहले जब मैं जाता था बिल्कुल भी मोर अंदर डर नहीं रही थी की मैं रायपुर से असम कई बार ट्रेवल कर चुके रहूँ तो वो बोली नॉर्मल बात रही थी, तो लेकिन वो दिन इतना ज्यादा कॉल आई मेरे पास उतना ज्यादा मैसेज ऐसे प्रभावित हो गया और मैं सच में डर गया। मुझे भी तो डर के आप कुछ पूछ रहे थे क्या पूछ हाँ मैं डर के मारे इसको दुनिया भर को पूछने लग गया, मतलब बार बार ये बोले जाए कि ते यहाँ जावे हुआ और तब पुलिस पकड़ ली जावे हुआ पुलिस पकड़ ली, तो मोर अंदर ना ये ना वैसे बस गिर पता है हाँ कि ना मैं वहाँ जाऊँ पुलिस में है मुझे पकड़ ली, और मैं मान ले रहा हूँ कि जाऊँ पुलिस पकड़ ली लेकिन फिर भी मैं ना जाता हूँ बेचारे क्या सोच के गए थे यहाँ से जाऊँगा और मार देगी पुलिस मार खाऊंगा और वापस ऐसे सोच के गए थे ठीक है नहीं तो मैं आ जाऊंगा। तो यहाँ तक भी मैं सोच ले रहा हूँ कि अगर मान लो ये नहीं अपन इस गुवाहाटी तक तो एक घर तक जाऊँ ऐसे बोल के, लेकिन वहाँ तक जाके जरूरत नहीं पड़ी देवी जी आगे हो थोड़ा लेट से ऐसे तो वो जी करे की गति गति बढ़ते जाए और उतना देर में यहाँ ना यही घूम के आ गया हूँ पता है कामाख्या घूम के आ गयी मैं अभी याद आते मैं वहाँ से गये हूँ तब मंदिर बंद हो गई रिश्ते बस बाहर से दर्शन करे हो सिंदूर खरीदे हो वहाँ से बेचारे शादी करने गया एक दर्शन नहीं किया सिंदूर खरीद हाँ वहाँ कामाख्या मंदिर से सिंदूर माना जाता है जो कामाख्या माता का चरणों में आता है सिंदूर जो लेके आता है तो बहुत ही पवित्र होता है। जब मैं गुवाहाटी पहुंचे रहे हूँ तो पहले मैं खाना वाना खाऊँ कामाख्या चलते ओकर बाद फिर जब आऊँ तो ये आगे ओकर बाद जो है ये बोले खाना वाना खिलाऊँ खबर की सफारी हो अभी पहाड़ी में आ चुके हैं बाजू वाला यहाँ पे शूटिंग करके लव स्टोरी कंप्लीट कर सन तो वीडियो में आगे बढ़ा था तो कहा इसे कि फिर ये आई से थोड़ा से लेट से जी धक हो गए इससे मोर फिर खाना खिला हूँ मन की ट्रेन है वहाँ से छुट्टी से लगभग 12 बजे के आसपास फिर पहुँच गए कोलकाता। कोलकाता में पहुंचा तो हमारे रात हो गई रही से तो रात में हम रेस्ट करत रहे सुबह के आई थिंक 3 बजे के आसपास ट्रेन रही से ना मतलब आधा रात को ट्रेन रही से तो हम रात में से रेस्ट करत रहे। अच्छा वो वाला बात बताओ ना जब असम से कोलकाता हमन आत रहे तो अदरक वाला बात ये सोए हुए थे तो टीसी या टीटी बोलते हैं टीटी आया था फिर टिकट के लिए मतलब वो कर रहा था तो मैं इनको हाँ इनको उठाने के लिए ऐसे उठाए तो ये ऐसे करके सो रहे थे तो बोले रुको क्यों उठा रहे हो सुनो थोड़ा सा अदरक
थोड़ा सा तुलसी ऐसा करके नींद में बोलते हैं, मुझे नहीं पता मैं डरा गई हूँ यार, ये तो दिमाग। अरे यार मैं सपना देख रहा था क्योंकि मुझे सर्दी लग गया था और मैं काढ़ा बना रहा था। हाँ मैं डर गई, मैं दिमागी मतलब फेल इंसान के साथ में आ गई, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते, कूद जाऊंगे ट्रेन से, ऐसे करके भी सोची, फिर उठ के कहीं चले गए और न एक घंटे तक वापस नहीं आए। नहीं तभी आप डर गए, फिर दूसरे आपने दूसरे लड़के को कहा सामने वाला कि उसको उठाओ, मैंने बोला इसको उठाओ ऐसे करके, तो वो उठा नहीं पा रहा था इसलिए दूसरे को बोला, तो वो एकदम हिला हिला के उठा दिया। उसके बाद उठ के पता नहीं कहाँ चले गए, एक घंटे तक नहीं आए, बैग वैग मेरे पास है, तो मैं बहुत डर गई कहाँ चला गया कहाँ चला करके। अब मैं बताता, चला बाथरूम गए थे, बोल नींद में रहूँ ऐसे, ठीक है कल नींद में टॉयलेट चल दू, मतलब गए हूँ ऐसे लघु शंकर, लेकिन वहाँ गए होते टॉयलेट लगे लग गए, तो टॉयलेट लगे लग गए, थोड़ा टाइम हो गया सुबह टाइम से खबर खबर निकल जाते, वहाँ में भी बोल नींद आती थी टॉयलेट में भी, ठीक है कैसे सो गए थे, मतलब सोया नहीं था लेकिन मतलब अपन नींद में बोलते थे, मुझे बताना चाहिए था ना, मैं ऐसे डर गई। अरे यार वो नींद में बोलना नहीं कहलाया यार, वो सपना सपना जब आते ना आदमी इसने कुछ कुछ बोले लग गए, तो वही चीज अरे वो। अब इतना दिन हो गए, छह महीने में कितना बार में रात में ऐसे बोले वो बता थे वो बस चीज़, ओकर बाद फिर मैं आ हूँ तब ये एक हालत खराब हो गई रही इसकी, पता नहीं ये कहाँ चल दी सभी एक घंटा ले सके हो रही से वाली थी वही। हाँ हाँ मतलब कहीं और चल जाऊंगी, अगर ऑप्शन मिलती, पैसे थे मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, ऐसा मत बोल यार, लोग भी बोलेंगे आप प्यार करते थे कैसे छोड़ के जा सकते हो बीच में, ऐसे वैसे दिमागी हालत से खराब इंसान मिलेगा तो छोड़ के जाएगा ना। हाँ ये बात भी है, धोखा हो जाएगा। तो ये रही से छोटा सा अदरक वाला कहानी, और उसके बाद हमने रखना छोटा सा अदरक। फिर रात में हावड़ा में हमन थोड़ा सा बहुत भयंकर नींद लगा रही से, कुछ खाए पिए सैंडविच खा के और, मेरा हालत क्या हो और गया था? कुछ खाए पिए भी नहीं मिला रही से ठीक से, तो हमन बस गेहन वहाँ पे जो कोलकाता में हावड़ा में जो मिला रही से ब्रेड और चीज सैंडविच, हाँ ब्रेड और चीज सैंडविच एक और मन करी चीज सैंडविच खा ले, और खा के पछताई से, और ओकरे बाद से फिर जब दूसरे दिन जो हमारे ट्रेन में बैठे तबियत खराब हो गई, दस्त होने लग गए, खाने पे अंडे का छिलका देख ली, मैं जो सब्जी खा रही थी उसी पे था, तब से मेरा जो निकला है निकलता ही गया। मामा जी के घर पहुंची तब तक भी निकल रहा था। एक दिन तो हम लोग शादी करे ही नहीं पूरा बेड रहे थे, दूसरे दिन शादी करने गए जैसे तैसे चल के गई, मतलब मैं ही जानती हूँ मैं कैसे खड़ी थी, इतना मोशन लूज था। और एक कारण ही जो है शादी के फोटो में जो चेहरा है ना एकदम, कोई कहा था ऐसे दिखा मार पीट के खड़ा कर दे जबरदस्ती शादी करे, तबियत खराब जैसे तबियत खराब की है। हम लोग सिर्फ सिंदूर खरीदे, मतलब सिंदूर तो खरीदा हुआ था कामाख्या से, सिर्फ मंगलसूत्र खरीदे और शादी करे, एक बाली भी नहीं खरीदे, चूड़िया हाथों में चूड़िया भी नहीं खरीदे, कुछ नहीं खरीदे, बस फॉर्मेलिटी करके शादी। थोड़ा सा मतलब डर भी रही से कि कोई आके कोई घर वाला बना के या पुलिस वुलिस आके कुछ कर बर मत दे ऐसे बोल के, ये कर सकती भी मतलब फटाफट मन शादी करे, लेकिन मुझे डर नहीं लगा था, मुझे पता था ना अकॉर्डिंग टू लॉ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा तो जो भी है मोहलत लगा तो रिश्ता पता नहीं कुछ भी हो सकते भैया, तो फिर एक ऐसे फटाफट बस हम शादी करें, और जो है आर्य समाज में शादी होकर वीडियो तो आप मन देख ही चुके हो, नहीं देखे हो तो फिर सीजी के पारा शादी सर्च करूँ तो मिल जाएगी आप मतलब, ठीक है जो मैं नया नया हमारे सब्सक्राइबर बने हो वो मैंने पुराना वीडियो देख लू जी। बार बार हमारे मन के सेटअप चेंज हुआ थे, कबर की इति उत्ती से आवाज आते नॉइस आते थे, कर सी काफी मेहनत कर पड़ते स्टोरी बताकर भी। जब हम कोलकाता से रायपुर आहन तो फिर मैं मामा जी ने फोन लगाऊ, मामा जी मैं यहाँ पे बहू ला लेके आवत हूँ बहू कौन बहू ऐसे कहा ठीक है तो बहू लेके आ हूँ तब बताऊँ कि ऐसे ऐसे बात है इसके बहू लेके आते हो सके तो आ जाए सकी, तो कर घर गए हूँ फिर मामा घर ओकरे घर एक दिन रहे, तो क्या बोलेंगे यार मामा जी है, मामा जी लोग सपोर्ट करते हैं, ढीमर है यार नहीं डर। अरे तो मेरे मम्मी के पक्ष के है ना, तो वो लोग मतलब तो मतलब सकते हैं। हाँ अगर कुछ सामाजिक बैठक बैठक भी होगा तो इस तरफ से होता है, उस तरफ से नहीं होता, उस तरफ के समाज से नहीं होता। क्यों अब वो क्यों, उसके लिए आपको पूरा कल्चर समझना पड़ेगा लंबा, तो समझाओ मैं भी इसी कल्चर की हूँ। अभी लव स्टोरी चल रहा है यार, कंप्लीट कर लेते कंप्लीट कर लेते हैं, मुझे भी तो जानना है यार आपका कल्चर, अब मेरा कल्चर बन चुका है। जो मन जानते हैं इसे काबर होते हो मतलब कमेंट करके जरूर बताऊँ, ताकि हमारा लाओ ज्यादा अच्छे से डिटेल में पता चले। तो फिर मामा जी हमने शाम हो गई सावा तावा मामा जी के घर में, तो फिर शाम में मामा जी के घर में गए हूँ, और देवी जी ला देवी जी की हालत बिल्कुल खराब हो गई रही से, बार बार दस्त हो गए हालत खराब हो चुकी रही से, तो देवी जी ला मामा जी के घर में रखे हूँ, और जैसे वहाँ पे गई से तब मैं कहूँ इला कि ठीक है यहाँ पे तो यहाँ आराम कर और सो जा,
यहाँ घूम के आता हूँ नीचे से। तो ये काकी इस पता है क्या बोल रहे थे याद है? बुलाकड़ है एक ही से नहीं मत जाओ ना, मतलब एकदम उस भाव से प्यार से मत जाओ। मैं सो रही थी, आपने उठाया और मैं घूमने जा रहा हूँ बोला, तो मैंने बोला छोड़ के मत जाओ ऐसे करके, क्योंकि मैं बीमार हूँ जरूरत पड़ सकती है। हाँ जब बोलीस ना कि नहीं मत जाओ ऐसा बोल के, तो वो मतलब मैं एकदम इमोशनल हो गया हूँ। और यार यार इतना भरोसा करके मोर मतलब उतना दूर से आगे है 2000 किलोमीटर से, हाँ तो ऐसे टाइप के मतलब बहुत इमोशनल हो गया मैं उस समय। तो ओकरे कर फिर यही छुपे रहे हूँ, फिर जो मामी अलग कुछ का बना से पुदीना पानी, हाँ ग्लूकोज, हाँ तो मामी जो है पुदीना पानी और ग्लूकोज वगैरह बना के दी से, तब ये बढ़िया लगी से थोड़ा से। और कब दूसरा दिन जो है हमारा बस मैनेज करे हैं काका चीज जरूरत रहती थे डॉक्यूमेंट ला, और डॉक्यूमेंट हमारे पास पहले से ही रही सी कबर की, मैं पहले ही पता कर चुके रहूँ आर्य समाज में शादी वादी करे बार काका चीज लगते से करके। तो वो चीज़ ये भी साथ में ला रही से, तो बस फोटो ले जैसे पासपोर्ट साइज, तो बोला हमन खिंचवाहन। और फिर ऑटो में बैठ के मैं और जैसे मामी जी रही से और डोमन भैया रही से, डोमन सीजी व्लॉग ओकर चैनल भी आप मन जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे में जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ आप मन जाऊ। हाँ लोकेश भाई भी रही से, मतलब मामा जी के लड़का कुछ मन रही से। तो मैं ऑटो में बैठ के हमन गई हन, उसके बाद हमन शादी करे हन, जेकर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जेकर से मोर चैनल है 10,000 से एक मतलब कुछ ही समय में, हाँ 15,000 ऐसे हो गए, मतलब काफी जल्दी बूम हुई से वो वीडियो वायरल हो गई रही से, लगभग 1,00,000 के आसपास ओवर व्यूज आ गए रही से। कबर की आदमी मन ना वो वीडियो ना बार बार देखे बार बार। अच्छा शादी से पहले एक और ये हो रही से कि घर के मना कुछ एक सदस्य हा जब मेरे ला डर रहे हो शादी करने पर जा रहे हो, तो भी मतलब मैं बोली से कि नहीं नहीं, नहीं नहीं जो है अभी शादी मत कर, बोला ठीक है ला घेर कर वापस छोड़ दे। सच्ची आपको तो पता है ना, लेकिन वापस छोड़ दे वाला पता नहीं था। मतलब तो वही है कि शादी नहीं करोगे तो वापस से छोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ फिर कहा ना, हाँ ठीक है तो आप लाड रिश्ता कोई बात नहीं, लेकिन अभी शादी मत करो लोग वापस छोड़ देते रहन दे रुक जा ऐसे होते, लेकिन मैं फिर माने से नहीं पर फोन बंद कर दे। और फिर ओम मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा हो गए, शादी की वीडियो आप मत देख लू, सीजी के पारस शादी सर्च कर लू। ओकर बाद जो है पूरा खुशी के माहौल दौड़ गए सब जगह, फोटो वोटो सब जल्दी सब जन से। फिर दो दिन बाद मोर शादी के 2 दिन बाद फिर मैं वीडियो ला एडिट कर रहा हूँ अपन, और फिर पब्लिश कर रहा हूँ। पब्लिश कर रहा हूँ तो पूरा दुल्हनिया, हाँ पारस की दुल्हनिया ऐसा बोल के, तो सब पूरा जो है जितना भी मोर ऑडियंस भी से सब कावरा बावरा होगी। और एक वीडियो ला आदमी मन है जो है ना मल्टीपल टाइम देखे, ठीक है कभी वो वीडियो में इतना ज्यादा व्यूज आए, और आदमी मन ला ना मतलब विश्वास नहीं होता रहेगी सी जी की पारा सर ऐसे बोल के, तो आदमी के उम्र आदमी ने डबल ट्रिपल देखे। और तो फिर हमने कुछ दिन जो है मामा जी के घर में रहें 4-5 दिन, मामा मन प्लीज के अभी यहीं पे रहो तुरंत घर मत जाओ, तो हम वहीं पे रहें वहाँ पे सब खुशी के माहौल हो गए, सब जन जो मिले लाए रही वहाँ पे कई जन मन हाँ। वो 2 दिन में ब्लॉग नहीं बना हो कि हाँ यार छोड़ अभी शादी हुआ पारस तो छोड़ ऐसे इनके, बस उसके बाद हमन 5 दिन बाद जो है हमन घर आ गए। और जब घर आहन तो आयस पहले मोर वीडियो पब्लिक हो चुके रही शादी वाला, तो जब रास्ता में आते ना सब जन इधर देखा था वैसे घर मोहल्ला मिट्ट के रहे था एकदम ऐसे सचिन एकदम एक टक लगा के देखा ऐसे घर में मिट्ट के रहे, बस तो फोन कर दे रहे हाँ भाई मैं यहाँ तो वो सिंह के थोड़ा थोड़ा सत्कार कर दूँ वो सिंह के, ठीक है तो नॉर्मल फॉर्मेलिटी होती वाला नौकर बदार की बचे वैसे, तो सब मोहल्ला के मन देखे लागे ना देखी कार वीडियो में पहली बार देख कर रही से और रियल लाइफ में देखना रही से। फिर घर आके वही छठी वाला जो प्रसाद होते है उस समय ठंड के मौसम चला जिससे तिल के लड्डू लाए हमें यहाँ, और मेला बस जो जो आयरिस वाला ऐसे नाश्ता सन बांट दे वही देखें कि, और ओकर बाद हमारे घर के साफ सफाई करे शुरू कर रहे हैं, और हो गए हमारे मन की गृहस्थ जीवन की शुरुआत। अब एक आगे जो कुछ भी हो है सब यूट्यूब में सी जी के पारस में अपना लग जाएगी। तो कैसे लगी हमारे मन की लव स्टोरी? ये वीडियो जब शूट हुई से तो 1 घंटा के रही से, लेकिन एडिट करके इतना छोटे करे हो। तो संगवारी हो ये रिस अमर मन के लव स्टोरी, तो हमर मन के लव स्टोरी आप मतलब कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताऊ। वीडियो अच्छा लगी सो वही हित तो लाइक कर दू, और आप मतलब ऐसे और छत्तीसगढ़ में वीडियो देखना है ता सीजी के पारस सब्सक्राइब कर दू। जय भारत जय छत्तीसगढ़।